गर्मी का मौसम अपने चरम पर है और इस गर्मी ने हिमाचल के पहाड़ों को भी अपनी चपेट में ले लिया है। बारिश न होने के कारण गर्मी के मौसम में तापमान बढ़ता जा रहा है। वहीं दूसरी ओर प्रदेश के वनों में आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसके चलते प्रदेश की अमूल्य वन संपदा का नुकसान हो रहा है। हिमाचल प्रदेश सरकार और प्रशासन वनों में आगजनी की घटनाओं को रोकने और जल संकट से निपटने के लिए व्यवस्था बनाने में जुटी है, ताकि जल प्रबंधन और वितरण सही तरीके से हो सके और लोगों को राहत मिल सके। वहीं द्रंग विधानसभा क्षेत्र से पूर्व में रहे विधायक दीनानाथ शास्त्री का कहना है कि हिमाचल प्रदेश में आग की ज्वालाओं का भड़कना हमारी ही करनी के फल है। हमने हमेशा प्रकृति से खिलवाड़ किया, चाहे हम किसान हैं, चाहे हम पशुपालक हैं, चाहे हम अध्यापक है, कर्मचारी है, अधिकारी है, हमने इस बात के कभी गंभीरता से विचार नहीं किया। एक समय हिमाचल में ऐसा आया, हिमाचल की जो मध्य पहाड़ी थी उसमें सारे घास की घासनियाँ ही भरी रहती थी, घास पात ही ज़्यादा मिलता था, इसलिए पशुपालन भी अधिक होता था। पूर्व विधायक दीनानाथ शास्त्री ने कहा कि हमारी पूर्व की सरकारों ने पिछले 2-3 दशकों में हिमाचल प्रदेश के हरे भरे घासनी के मध्य क्षेत्र में चील और सफेदे के पौधों का अवैज्ञानिक तरीके से पौधारोपण किया। उन्होंने कहा कि चील भयंकर आग को बढ़ाने वाली है और सफेदा पृथ्वी तल तक पानी को सुखाने वाला और पानी को पीने वाला वृक्ष है, और इन पौधों के रोपण के कारण पानी के चश्मे और बावड़ियां सूख गई। तो हमारी सरकार ने वहां पर चील और सफेदा का रोपण का कार्यक्रम शुरू किया। चील भयंकर आग को बढ़ाने वाली है और सफेदा पृथ्वी तल तक पानी को सुखाने वाला और पीने वाला वृक्ष है। इन दोनों का ही रोपण जो है पिछले 2-3 दशक से इस प्रदेश के अंदर होता रहा, जिससे यहाँ के पानी के चश्मों को भी फर्क पड़ा और स्थान स्थान पर बावड़ियाँ सूख गई। और आज लोग एक बात आज भी इस बात को महसूस नहीं करते हैं कि ये हमारी गलती है, हमारी सरकार की गलती है, सरकार और हमारे बीच में ठीक सोच नहीं थी। दीनानाथ शास्त्री ने कहा कि चील और सफेदे के पौधों के अवैज्ञानिक पौधारोपण के कारण आज यह स्थिति उत्पन्न हुई है, और यदि इन पौधों का रोपण न होता तो आज हिमाचल की प्यास न बढ़ती। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल।